दोस्तों सादर प्रणाम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस समय हम एमपी स्टेट में आ गए हैं, जो कि रीवा ज़िले में प्रवेश कर चुके हैं और सुहागी पहाड़ी से जस्ट पहले खड़े हैं। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, एरो मारा है, जो कि ऐसे आगे जैसे जैसे टर्निंग करेंगे थोड़ी दूर आगे वो पहाड़ी शायद दिख रही होगी आप सबको। तो बगल में सुहागी की पहाड़ी है और वहाँ तक पूरी पहाड़ी दिखाई दे रही है, आपको दिख रहा होगा, शायद देख सकते हैं। और ये रोड दोस्तों जाएगी रीवा आप लोग जा सकते हैं। बाकी हम लोग तो प्रयागराज से आए हैं, तो अभी यहीं खड़े हैं, तो हम सोच रहा था कि आप सबको सुहागी पहाड़ का वीडियो एक क्यों ना दिखा दिया जाए, जो कि इस समय 4 लेन हो गई है, यानी कि डबल लाइनें हो गई हैं। एक इस तरफ है, ये देख सकते हैं, और एक उस तरफ, डबल इधर है डबल उधर है, यानी कि 4 लेन लाइनें हो गई। पहले तो सिंगल लाइन थी, यानी कि 2 लेन लाइन थी, तो काफ़ी परेशानी लगता था आने जाने में, लगभग आधा घंटा क्रॉस करने में आगे पहाड़ी लग जाता था। तो अब मुश्किल से 10 से 15 मिनट आप क्रॉस कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए, देर न करते हुए दिखाते हैं आपको पूरा वीडियो सुहागी पहाड़ का। तो आइए फिर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग चल चुके हैं यहाँ से, और जो कि यहाँ देख सकते हैं अगल बगल हरा मौसम दिख रहा है, हरियाली घरों सब लगे हैं, और आगे अंदर सुहागी मार्केट भी है, अंदर आगे सुहागी मार्केट है, और ये सुहागी पहाड़ी दिख रही है आपको। तो हम लोग चल चुके हैं, और दोस्तों आप लोग इस रोड से जबलपुर मैहर जा सकते हैं और महाराष्ट्र वगैरह जा सकते हैं, जैसा कि दक्षिण भारत के सभी राज्यों में आप लोग इस मार्ग से जा सकते हैं, मुंबई वगैरह जा सकते हैं, पुणे जा सकते हैं। हाँ, एमपी तो हम लोग एमपी में ही है, रीवा ज़िले में, बाकी एमपी के जितने ज़िले हैं देख सकते हैं। जैसे सुहागी पहाड़ी समाप्त होगा उसके आगे बॉर्डर आ जाएगा रीवा ज़िले का, तो हम लोग वहीं तक वीडियो आपको दिखाएंगे सुहागी पहाड़ तक का पूरा। देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हम लोग तो हाईवे पर आ गए हैं और आगे अंदर मार्केट है, सुहागी पहाड़ी देख सकते हैं, सुहागी मार्केट है, ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है नज़ारा दृश्य, देख सकते हैं। कुछ ही पल में हम लोग पहाड़ी पे चढ़ जाएंगे। नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, रुक सकते हैं, यानी कि घाटी प्रारंभ हो गई है सुहागी की। दोस्तों पहाड़ को तोड़ करके पहले तो दोस्तों ये सिंगल रोड थी, पहाड़ के ऊपर से नीचे देखने का मजा ही कुछ और है, पहाड़ से ऊपर से नीचे भी अभी हम लोग देखेंगे, रुकेंगे आगे तो देखेंगे, पहाड़ के ऊपर से आप सबको नीचे का भी नज़ारा दिखाएंगे। तो आगे यहीं कहीं हम रुकने का सोचेंगे, और यहाँ पे रोड दोस्तों थोड़ा टर्निंग भी है, आराम से भी चलना पड़ेगा आप सबको, यहीं कहीं हम लोग रुकेंगे आगे थोड़ी दूर आगे कहीं रुकेंगे, और यहाँ पे नीचे जो गांव वगैरह हैं यहीं आपको हम दिखाएंगे किनारे गाड़ी खड़ी करके। आइए देख लेते हैं दोस्तों ये सुहागी पहाड़ के अगल बगल, ये देखिए जो नीचे गाँव वगैरह हैं, ये देख सकते हैं।
ये देखिए कितना अच्छा दृश्य दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए ऊपर से देखने में बहुत ही बेहतरीन दृश्य दिख रहा है दोस्तों, एकदम प्राकृतिक नेचुरल है, एकदम प्रकृति की हरियाली देखने को मिल रहा है आप सबको। और देख लीजिए दोस्तों इधर एक तालाब है ये नीचे, ये देखिए दोस्तों आगे नीचे देख सकते हैं पहाड़ी के ऊपर से हम दिखा रहे हैं जो कि रीवा ज़िला में आ रहा है दोस्तों। प्राकृतिक के नज़ारा है यहाँ पे दोस्तों, प्राकृतिक का करिश्मा है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं ऊपर से कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। और बगल में इधर भी पहाड़ी है, तो दोस्तों आइए फिर हम लोग चलते हैं पूरा पहाड़ आपको दिखाते हैं घुमाते। तो दोस्तों फिर से यहाँ से चल दिया हूँ, अभी तो ऊपर खड़ा था तो मैं सोचा कि सुहागी पहाड़ी के ऊपर से नीचे जो गांव है सुहागी के उसको दिखा देता हूँ, तो मैं सोच रहा था तो वही आप लोगों को मैं दिखा रहा था। और दोस्तों ये रास्ता ऐसा है, बोर्ड में लिखा हुआ है सावधान दुर्घटना संभावित क्षेत्र, यानी कि जर्नी में थोड़ा दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, तो धीरे चलने के लिए वहाँ पर आग्रह किया गया है बोर्ड में। चलिएगा आपको ये टर्निंग है ना, यहाँ के लोकल लोग हैं अपना बकरियाँ चला रहे हैं। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से देखने को मिल रहा है, और 2 किलोमीटर आगे बोर्ड में लिखा हुआ है, देखिए तो दोस्तों कितना बेहतरीन लग रहा है रोड, आगे पहाड़ी यहाँ पे समाप्त।
ज़्यादा दुकान दुकानी है कि नहीं, चाय पान की दुकान है यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं। जस्ट आगे टोल गेट भी अभी मिल रहा है, जैसे पहाड़ी समाप्त होती है आगे टोल गेट है, यहाँ से 1 किलोमीटर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।